चलिए आगे पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा। FIIs और DIIs ने किस प्रकार की खरीदारी या बिकवाली कल हमारे बाजारों में की है। तो कैश में FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमने बिकवाली आते हुए देखी 1927 करोड़ रुपए की। हालांकि DIIs ने खरीदारी बरकरार रखी है। कैश स्पेस की बात करें तो 800 करोड़ रुपए से अधिक की यहां पर खरीदारी दिखी। FNO स्पेस में हालांकि FIIs की तरफ से तगड़ी खरीदारी दिखी है 9885 करोड़ रुपए की। तो मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में किस तरह की रणनीति लेकर ट्रेड करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि लगातार जो चार दिनों की रैली थी उस पर ब्रेक लगता दिखा है। निफ्टी की अगर बात करें 18,000 के अहम लेवल तक जाते गया और फिर उसके बाद वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है। आज जिस तरह के संकेत, पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से भी, क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या रेंज हो सकती है, कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे आज के सेशन में बाजार। की वजह यह कि ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, जिस तरह से अमेरिका में प्रदर्शन हुआ है। दूसरी बात ये कि हमारे अपने लोकल ट्रेडर्स में अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों पर दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कल की FIIs की जो आंकड़े आए हैं वो कैश मार्केट में भी क्वालिटी है, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी क्वालिटी है, तो क्वालिटी के लिहाज से आंकड़े थोड़े से खराब है। और दूसरा एक 18,000 का एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अगर आज गैप से हम ऊपर खुलते हैं और थोड़ा और ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। 17,900-18,000 की रेंज में बाजार को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल सपोर्ट की अगर बात करें तो 17,600-17,650 ये रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। कल भी हमने देखा इस रेंज को बाजार ने होल्ड किया, इसके नीचे गया नहीं, आज भी वही रेंज सपोर्ट के तौर पर आएगी। अगर इस 17,600 के नीचे ट्रेड करता शुरू हो बाजार तो ही दिक्कत है, अदरवाइज कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक आप तो मान सकते हैं कि रेंज बाउंड बाजार है, रनिंग करेक्शन है जो होता हुआ दिखता है। 17,850-17,925 ये ऊपरी रेंज है जहाँ पर जाकर थोड़ा सा बाजार रुकते हुए दिख सकता है। फ्रेश और बड़ी तेजी 18,000 को पार करने के बाद बनेगी जिसकी संभावना आज के लिए तो कम है। अब आइए बैंक निफ्टी, 33,050 के लेवल पर जहाँ से ब्रेकआउट दिया कल वहीं पर सपोर्ट किया और बाजार वापस 33,500 के आसपास बंद हुआ। जो ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज है 37,000 से 38,000 की, उसके बीचों बीच बंद हुए। अब आज के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 36,850 से लेकर 37,050, ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगी। और ऊपरी स्तरों पर 37,700 से 37,900 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। मुझे लगता है कि आज के सेशन में आपको ट्रेडिंग रेंज के किसी एक सिरे की तरफ पहुंचने का इंतजार करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट खोल लेना चाहिए। शायद बाजार आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके देगा क्योंकि डाउन फ्यूचर्स मजबूत है, एशिया अच्छा खुला है। एक बार आप ऊपर आते हुए देखें तो 17,900-18,000 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करें, बिकवाली करें, और वापस नीचे स्तरों पर 17,650-700 की रेंज में आए वहां से खरीदारी करना शुरू करें। तो रेंज बाउंड ट्रेंड के लिए दोनों तरफ आपको आज